दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में। तो आज हम जानेंगे पीएफ कैसे विड्रॉ करना है, उसके प्रोसेस के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप पीएफ को विड्रॉ कर सकते हैं सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे मैं गूगल क्रोम ब्राउजर में जाके है, आपको यहाँ पे टाइप करना है। epfindia.government.in साइट आप जब खोलेंगे तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की साइट पे ही जाना है। दोस्तों, ये साइट थोड़ा सा लोड लेगा और मे बी इसमें आपको एरर भी दिख सकता है। तो प्लीज ओके, यहाँ पे हमने साइट ओपन कर लिया है। दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक ये पॉपअप देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इसको क्लोज करना है। उसके बाद आपको यहाँ से केवाईसी अपडेशन फॉर मेंबर, यहाँ पे आपको जाना है। तो चलिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ओके, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक नया विंडो ओपन होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे मेरा यूएएन नंबर डाल देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपका यूएएन नंबर में अगर आपने पासवर्ड जनरेट नहीं किया है तो आपको क्या करना है। आपने अगर पासवर्ड जनरेट नहीं किया है तो यहाँ पे आपको आपका एक्टिव यूएएन नंबर आपको एक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एक्टिव कर सकते हैं, यहाँ से आप पासवर्ड भी कर सकते हैं जनरेट। तो चलिए मैं यहाँ पे इसके अंदर डाल देता हूँ। और एक चीज मैं बता देता हूँ कि आपने अगर लॉग इन किया है और आप आपका पासवर्ड भूल गए हैं तो उसके लिए आप नीचे फॉरगॉट पासवर्ड में जाके भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये भी एक थोड़ा इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम साइन इन करते हैं। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपको एक ये पॉपअप देखने को मिलेगा, ये आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होम पेज पे मुझे मेरा डिटेल्स मिल गया है। तो यहाँ पे आपको आपका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा अगर आपने अपडेट किया है तो। अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो आपको मैनेज में जाके आपको यहाँ मैनेज में जाके आपका जो भी अपडेट है वो यहाँ से करना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, केवाईसी है। दोस्तों, ये केवाईसी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आपका अगर केवाईसी अपडेट होगा तो आप वहाँ पे पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे चलिए केवाईसी हम देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना केवाईसी ओपन कर लिया है। आप भी यहाँ पे आपका केवाईसी ऐड कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये आपका ऐड केवाईसी का बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे आप आपका बैंक का डिटेल डालना है, आपको पैन कार्ड डालना है और आधार कार्ड। ये तीन चीजें हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये चीज नहीं डालेंगे तो आप पीएफ उठा नहीं पाएंगे। पैन कार्ड इसलिए कि आपका अगर अमाउंट ज्यादा है, 50,000 से ऊपर आपका अमाउंट है, तो आपको पैन कार्ड की भी जरूरत रहेगी। तो आपको पैन कार्ड यहाँ पे अपडेट करना है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आप डॉक्यूमेंट में, फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर बैंक का डिटेल अपडेट करना है
तो आप यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे, मतलब आपका अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट पे नाम जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वही आप यहाँ पे नाम डालेंगे, और आपका आईएफएससी कोड आपको मिल जाएगा आपके पासबुक या चेकबुक के ऊपर। तो चलिए ये आप एक बार आप अपडेट कर देते हैं, तो आपको एम्प्लॉयर जो भी आपका एम्प्लॉयर है वो अप्रूवल देगा, उसके बाद आपका बैंक वहाँ पे बैंक का डिटेल्स अपडेट हो जाएगा। तो मैं आपको चलिए पैन कार्ड के बारे में भी दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का नंबर डालना है, आपका नाम एज पर पैन कार्ड जो भी है वो डाल के आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है, और यहाँ पे आधार कार्ड में आपका आधार कार्ड नंबर, या तो फिर अभी आप यहाँ पे एक और चीज ऐड कर सकते हैं वीआईडी नंबर, ठीक है। आपने आपको आधार कार्ड नंबर के नीचे ही एग्जैक्टली मिल जाएगा, यहाँ पे आपका नाम डालना है एज पर आधार कार्ड। तो ये तीन चीजें अपडेट हो जाने के बाद आपको अगर पीएफ विड्रॉ करना है तो आप क्या करेंगे, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या करेंगे। आपको यहाँ ऑनलाइन सर्विस में जाना है, यहाँ पे क्लाइम पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर जैसे ही आप यहाँ पे क्लाइम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा आपका डिटेल जो आपने अभी अपडेट किया है। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो डिटेल्स आपने अपडेट किया हुआ था वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज आपको ये करना है कि आपका जो भी बैंक आपने बैंक अकाउंट नंबर डाला है उसका यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर एज सीडेड अगेंस्ट, ओके यहाँ पे आपको आपका पूरा अकाउंट नंबर डालना है जो आपने अभी अपडेट किया है, आपके केवाईसी में आपने अपडेट किया है, ठीक है। तो ये डिटेल्स है, आप एक बार जैसे ही यहाँ पे आपका बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे तो आपको मैं दिखा देता हूँ, चलिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मेरा अकाउंट नंबर डाल के यहाँ पे वेरीफाई के लिए क्लिक कर दिया है। ओके, आपको यहाँ पे एक पॉपअप देखने मिल जाएगा, ये एग्रीमेंट है कि आपने ये जो अकाउंट नंबर डाला है, ठीक है। आई हियरली अंडरस्टैंड दैट आई हैव वेरीफाइड, ओके। यहाँ पे फिर आपको एग्री यस पे क्लिक करना है, तो जैसे आप यस करेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखने मिल जाएगा, मैं ये ऑप्शन यहाँ पे आपको प्रोसेस फॉर ऑनलाइन क्लाइम, तो चलिए इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक और पेज ओपन होगा, चलिए देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे आपका डिटेल्स जो भी है वो यहाँ मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस किस हिसाब से पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। तो पीएफ विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन शो कर रहा है मुझे, क्योंकि फॉर्म नंबर 31, क्योंकि आपने अगर रिजाइन नहीं दिया है तो आपको एक ही फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, वो भी एडवांस पीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या दूसरे फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरे भी जो आपने यहाँ पे फॉर्म देखे थे, फॉर्म नंबर 31, 19, 10, 10C and 10D, तो आपको मैं थोड़ा सा इसके लिए इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो 31 फॉर्म नंबर है वो एडल्ट पीएफ उठाने के लिए है, और फॉर्म नंबर 19 अगर आपने रिजिग्नेशन दे दिया है, आपको कम्प्लीटली पीएफ डालना है, ठीक है, उठाना है, तो आप वहां से उठा सकते हैं फॉर्म नंबर 19 फिल करके। तो इसके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपका जो भी एम्प्लॉयर है तो उन्होंने आपका डेट ऑफ एंड, तो आपका लास्ट डेट वहां पे मेंशन किया होना चाहिए, अगर आपका डेट वहां पे मेंशन है तो वो आप वहां से उठा सकते हैं, ठीक है। आप फॉर्म नंबर 10C ये पेंशन उठाने के लिए है, और फॉर्म नंबर फॉर्म नंबर 10D ये आपने 10 साल काम किया है, उसके बाद आप ये
साथ ये पीएफ उठा सकते हैं, 7 साल तक का जो भी पीएफ है वो आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो कैन डी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं। तो अगर मुझे एडवांस पीएफ उठाना है तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा एडवांस पीएफ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं, अगर आपने जितने भी सर्विसेज में काम किया है तो उसका लिस्ट मिल जाएगा। तो आपको कौन सी सर्विसेज का उठाना है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पर्पस डालना है कि आपको किस लिए चाहिए, ठीक है। आपको अगर कोई कंस्ट्रक्शन, आपका हाउस का कंस्ट्रक्शन करवाना है उसके लिए, नेचुरल क्लाइमेटिस, परचेस ऑफ हैंडीकैप्स इक्विपमेंट, इलनेस, पावर कट, तो आपको जो भी रीजन आपको यहाँ पे है आपके हिसाब से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे चलिए इलनेस डाल के यहाँ पे आगे प्रोसेस करता हूँ। अमाउंट ऑफ एडवांस रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपको कितना अमाउंट रिक्वायर है, ठीक है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए आपको यहाँ पे आपका एड्रेस डालना है, मैं यहाँ पे एड्रेस डाल के एक बार आपको दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे मेरा अकाउंट, यहाँ पे एड्रेस का डिटेल्स डाल दिया है, यहाँ पे अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेकबुक, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो भी चेकबुक है वो यहाँ पे आपको अपडेट करना है, उसको स्कैन करके फिर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जब भी आपका चेकबुक पासबुक का कॉपी स्कैन करते हैं तो आपको एक चीज याद रखना है कि उस पे ओवरराइटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, और वही इमेज आपको क्लियरली दिखना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 KB से मैक्सिमम 500 KB की साइज तक आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये साइज आप थोड़ा देख लीजिएगा, उसके बाद वो साइज जो है ये उसका फॉर्मेट JPG या JPEG होना चाहिए, ठीक है, और वो आपको यहाँ पे चेकबुक और पासबुक यहाँ पे अपलोड करना है और कंप्लीट क्लियरली दिखना चाहिए। अगर आपका कोई भी मतलब नहीं दिखेगा क्लियर तो वहाँ से तुरंत ही रिजेक्ट कर देंगे दोस्तों। तो मैं ये इसीलिए आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ यहाँ पे गलती करते हैं। ओके दोस्तों, तो मैं यहाँ पे मेरा चेकबुक के ऊपर अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं लोडेड साइज कुछ भी देना है यहाँ पे। एक बार आप देख लीजिए कि आपका डिटेल्स का कंप्लीट अपलोड हुआ है कि नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्री करना है। एग्री करने के बाद यहाँ पे गेट आधार OTP, तो यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर होना जरूरी है, क्योंकि अभी जैसे ही आप इस हम क्लिक करेंगे इस पे तो जो भी या गेट आधार OTP पे आपको क्लिक करना है। चलिए हम प्रोसेस करते हैं। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेस, OTP हैज बीन सेंट ऑन योर मोबाइल नंबर रजिस्टर। आपने जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है उस पे एक आधार की और से एक आपको यहाँ पे मैसेज आएगा। मैसेज में वो जो OTP है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे उसको टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, तो यहाँ से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप पूरा कंप्लीट आपको उसका PDF भी मिलेगा जो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। बट इस बिटवीन में एक चीज यहाँ पे आपको और समझाना चाहता हूँ कि फॉर्म 15G आपने अगर रिजाइन कर दिया है और आपका PF 1 लाख के ऊपर है, ठीक है, 1 लाख या 1 लाख के ऊपर है, तो आपको फॉर्म नंबर 15G फिल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो TDS है वो नहीं कटेगा। या तो अगर आप वो फिल नहीं करोगे तो आपका 30%
ये TDS आपका कट हो जाएगा। तो ये एक चीज याद रखना, फॉर्म नंबर 15G, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ वैलिड OTP एंड सबमिट क्लाइम फॉर्म पे क्लिक करके मेरा जो एडवांस PF है वो यहाँ पे मैं फाइनल कर देता हूँ, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो PF का फॉर्म है वो सबमिट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण यहाँ पे ये सबमिट नहीं होगा, बट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका फुल एंड फाइनल हो जाएगा। ये जब आप इस पे फाइनल हो जाएगा तो आपको एक PDF कॉपी मिलेगा, उसको आपको डाउनलोड करके सेव रख लेना है। तो आप जब भी आपको अगर चेक करना है जरूरत पड़े तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये भी चेक बता देता हूँ कि आप उसको कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फिर से ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है। ऑनलाइन सर्विसेज में जाके आपको ट्रैक क्लाइम स्टेटस, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आप ये जो वाला है ट्रैक क्लाइम स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको चेक करने मिलेगा कि आपका PF आपने जो भी अप्लाई किया था उसका स्टेटस क्या है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्टेटस क्या है, ठीक है। आप ऑनलाइन क्लाइम स्टेटस है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी आपका लास्ट होगा, आपने जो भी लास्ट अप्लाई किया है वो यहाँ शो करेगा, उसका स्टेटस क्या है यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा कि उसका स्टेटस क्या है, ठीक है। तो ये क्लाइम हो गया है कि नहीं उसके बारे में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। दोस्तों तो फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे ये सेशन हम एंड करते हैं। आपको अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।